हाय दोस्तों, हर हर गंगे आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। अभी आप माँ गंगा के पावन दर्शन नई घाट से कर रहे हैं। जल की गति आज तेज दिखाई दे रही पिछले दिनों के सापेक्ष, और आज यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं बस स्टैंड पे, और बस स्टैंड से हर की पैड़ी तक का सफर का दृश्य आप अभी देखने वाले हैं, और यहाँ की ताज़ा दृश्य और ताज़ा जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये है बस स्टैंड, और हम चलेंगे अभी ई रिक्शा पर लेंगे। यहाँ से ई रिक्शा से चलेंगे हर की पैड़ी। यहाँ से ई रिक्शा का किराया पर पर्सन 20 रुपया है, और हम आ चुके हैं हर की पैड़ी। ये हर की पैड़ी का मेन डोर है, और ये सुबह 10 बजे का दृश्य अभी आप देख रहे हैं। ये वाली रास्ता मोती बाजार की ओर गई है, और यहाँ पे आपने अभी देखा मोहनजी पूड़ी वाले का शॉप जो खाली है। खाली होने का रीजन बारिश होना है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी। और ये बारिश अभी से नहीं, कल से हो रही है, रात को भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और देख सकते हैं इधर हम चप्पल वगैरह रख सकते हैं, ऐसे जूता स्टॉल सामने है, वहाँ पे अगर रखते हैं चप्पल जूता तो ज़्यादा सेफ रहेगा, और वहीं पे हमें रखनी चाहिए। एक टोकन मिलता है, टोकन को आप जूता लेते वक्त आपको दिखाना होगा, टोकन को देना होगा। टोकन आप दे देते हैं तो आपको जूता मिल जाएगा, और यहाँ पे कोई रिक्शा भी नहीं होता। हम आ चुके हैं ब्रिज में, और ब्रिज में अभी आप दृश्य देख रहे हैं अस्थि प्रवाह घाट की। यहाँ पे कार्यक्रम काफ़ी सारे लोग करा रहे हैं। छाता और पॉलीथीन का दृश्य सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। जल की गति आपको आज तेज दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जल की गति पिछले दिनों के सापेक्ष आज तेज हो चुकी है। माँ गंगा की निर्मल धारा की शीतलता का अगर आप पूछेंगे तो आप लाइव देख रहे हैं, अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडी है जल, और उसके वजह से स्नान करना थोड़ा से मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हम स्नान कर सकते हैं, थोड़ी ठंडी लगेगी, स्नान करने के बाद ठंडी नहीं लगती। आप देख सकते हैं इन्होंने दोबारा ट्राई किया, अब देखते हैं दोबारा ये क्या स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। ये भाई साहब बिना डुबकी लगाए बाहर निकल गए शायद, और ट्राई करेंगे, ये दोबारा ट्राई किए थे, क्योंकि जल के अंदर प्रवेश करते ही काफ़ी ज़्यादा ठंडी हमें लगती है। अभी आपने लाइव देखा कि यहाँ पे ठंड कितना ज़्यादा है, और बारिश भी काफ़ी यहाँ पे हो रही, लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी भी हो रही है। तो आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो मौसम का ध्यान रखें, उसके बाद प्लानिंग करें। और पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। आज आपको सामने माँ चंडी देवी की जो पहाड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। कोहरा कम है, बारिश हो रही है, और कल भी बारिश हुई थी, परसों काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। और आप अभी देख रहे हैं नई घाट का, नई घाट में जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमेशा होती है। नई घाट और कुसा घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पर भीड़ हमेशा होती है। अभी आप माँ मनसा देवी की टेंपल की पावन दर्शन कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं नीचे की ओर, और नीचे की ओर आप देख सकते हैं काफी सारे लोग छाता लिए हैं, और काफी सारे लोग छाता नहीं लिए हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं। अभी आप हर की पैड़ी का दृश्य देख रहे हैं। ये वाली घाट अस्थि प्रवाह घाट में आ जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है। यहाँ पे मुंडन के कार्यक्रम और अस्थि प्रवाह के कार्यक्रम की जाती है, जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं इधर। और ये वाली जो घाट है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, ये है
हर की पैड़ी, और यहाँ पे स्नान करना काफी अच्छा माना जाता है, तो आप जब भी आए यहाँ पे स्नान। अभी हम पहुंचने वाले हैं ब्रह्मकुंड के पास। ब्रह्मकुंड के पास आज आप देख सकते हैं काफ़ी कम लोग स्नान कर रहे हैं, नहीं के बराबर ही स्नान कर रहे हैं, पूरी घाट खाली है। महिला घाट में कुछ लोग स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हम वहां पर चलेंगे अभी महिला घाट पे, महिला घाट का दृश्य आपको दिखाएंगे। हम आ चुके हैं महिला घाट में। महिला घाट में आज काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। महिला घाट में जल की गति काफ़ी धीमी होती है और सबसे ज़्यादा तेज़ गति होती है तो नई घाट पे, क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ी कम हो जाती है, उसके वजह से माँ गंगा की निर्मल धारा की वे काफ़ी तेज़ हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही माँ गंगा के पावन दर्शन और हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर गंगे।